जय सियाराम। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी कार्य करने जाएं तो आपका वह कार्य सिद्ध हो जाए, हर जगह आपकी ही बड़ाई हो, हर जगह आपकी ही जय जयकार हो। आप कोई भी कार्य करने के लिए निकलें तो उसमें किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार की संकट, किसी भी प्रकार की व्यथा आड़े न आए, तो आप आज हमारे द्वारा बताई गई दिव्य रामचरितमानस की चौपाई पढ़ के घर से निकलिए। यकीन मानिए कि इस चौपाई का प्रताप इतना है कि कोई भी व्यक्ति अगर घर से इस चौपाई को पढ़ के निकलता है तो उस व्यक्ति का कार्य कभी असफल हो ही नहीं सकता है। यह आप विश्वास मानिए, कार्य सफल होगा और आपकी बड़ाई हर जगह होगी, आपकी प्रशंसा हर जगह होगी। भगवान श्री राम के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान श्री राम के चौपाइयों में इतनी शक्ति है, ये सर्वमान्य है, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा कहते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको रामचरितमानस की दिव्य चौपाई। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिख दें जय सियाराम, जय हनुमान। आइए सुनते हैं दिव्य रामचरितमानस से वह दिव्य चौपाई। रामचरितमानस की वह चौपाई लंका कांड से है। वह चौपाई है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहई सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे ता पर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो रहे हैं। अगर आप इस चौपाई को पढ़ के घर से निकलेंगे तो यकीन मानिए, जिस प्रकार भगवान श्री राम रावण को हरा के निकले थे तो उनकी जय जयकार हो रही थी, उसी प्रकार आपका कार्य सिद्ध होगा, आपकी जय जयकार होगी और आप भी एक ऊंचे आसन पर विराजमान होंगे, आपको प्रसिद्धि मिलेगी। जय श्री राम।